राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए और इन विचारों को राजनीति के धरातल पे उतारना चाहिए। बहुत खूब जी। मैं इधर साइड वाले लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि साइड वाला व्यापार बंद कर दीजिए, इसमें व्यवधान नहीं, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। ध्यान दें, हम सिर्फ अपनी बात पे नहीं दूसरों की बात भी ध्यान से सुने। जी, स्वराज अभियान वैकल्पिक राजनीति करना चाहता है, तो वैकल्पिक राजनीति तैयार करना, लोगों के बीच में जाना, चाहे कृषि नीति हो, कल कारखाना हो, शिक्षा का मामला हो, दलित का मामला हो, मुस्लिम का मामला हो, इसको विस्तार से वैकल्पिक नीति रेखांकित करना और लोगों के बीच में जाना, ये हमारा काम। वैकल्पिक नीति बनाना, लोगों के बीच में जाना, यही आवाज बार बार आ रही है। लोगों के बीच में जाएं, काम करें, उन्होंने कहा पार्टी बनाएं। आगे नंबर 18 कौन है उधर? जी, उसके बाद 21, 24, 27 पे हम समाप्त करेंगे इसे। जी, सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे ग्रुप को नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर आसना जी लीड कर रही थी। जो क्वेश्चन जो आया उसका आंसर पहला ये है कि हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, सबसे पहला पॉइंट। प्रश्न नहीं, आपको ग्रुप समरी देने को मैं नहीं कह रहा हूं, केवल आखिरी सवाल का उत्तर देना है। वो ये प्रश्न ये है, अगर ये राजनीतिक प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो हमें एज ए ग्रुप, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको कलेक्टिवली मिलके क्या करना चाहिए? वही मैं कह रहा हूं सर, प्रशासनिक दुरुपयोग जो शक्तियों करता है उसको रोकना चाहिए, हमारे वैकल्पिक विचार को प्रचार प्रसार करना चाहिए, सत्ता का अधिकरण मतलब सत्ता में जाना वो करना चाहिए, चुनाव प्रणाली को सुधारना और परिवारवाद का विरोध। बहुत बढ़िया, राजनीति को सफाई करनी चाहिए, राजनीति में जाके उसकी सफाई करनी चाहिए। नंबर 21 और ये होने के बाद मैं प्रशांत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण के ऊपर कुछ बात कहें। जी, भारत में नागरिक केंद्रित लोकतंत्र स्थापित करने के लिए स्वराज अभियान को सामूहिक नागरिक चेतना बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत में दुर्भाग्य से कंज्यूमर एग्जिस्ट करता है, वोटर एग्जिस्ट करता है, मगर सिटीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। सिटीजन एग्जिस्ट करने लग जाए इसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ बिंदु, हर हालत में वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की अधिकांश लड़ाइयाँ इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट उसी व्यवस्था में चली आ रही व्यवस्था में कुछ इंडिविजुअल्स की स्थिति परिवर्तित करके समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इस बार न होने पाए, स्वराज अभियान को इसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में हम शामिल हों, और वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन केवल व्यक्तियों का परिवर्तन नहीं। एक मिनट, नहीं वो नहीं है, इनका हाथ उठा है। जी, एक मिनट, हाँ तब तक आप अपनी बात, एक मिनट उनका जिसका नंबर है उसका तो पहले पूरा कर लेना। 21 हो गया, 24 एंड 27। जी, 24। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन वही कि अगर हमारा रेजोल्यूशन इस प्रस्ताव से हम सहमत हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन इससे क्या निकलता है? अपनी सोच को बदलें, इससे दिशा बदलेगी और देश बदलेगा और संगठन मजबूत होगा। हम खुद जागें, जगाएं लोगों को, ग्राउंड लेवल पे काम करें, जमीनी स्तर पे हर व्यक्ति से, जैसे हमने पहले किसान आंदोलन वगैरह में काम किया, लोगों से मिलें, लोगों अपना संगठन बढ़ाएं, जमीनी स्तर पर संगठन बढ़ाएं। लोगों से जुड़े, जमीनी स्तर के ऊपर हम अपना काम बनाएं और इसके लिए ऊर्जा पैदा करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी सर। सर आई वुड लाइक टू फर्स्ट यू नो आंसर द क्वेश्चन बिकॉज यू डिडंट गिव मी चांस टू स्पीक अप सर, सो कैन आई इफ यू डोंट माइंड? Very quickly. Yes, you sir. Have 1 minute. You can use it any sir, which way sir, you sir, like. Sir, absolutely right, sir. Sir, first of all, you asked me, you asked us first questions about that, how are the political resolution different from existence party? So I would like to answer you. We have collective approach. We have accountability, responsibility, and all the dedications we have. So we have to take, we have to focus on our the grassroots level political ideology
which are being not followed by any political party in India, and we are going to follow it, sir, at any cost there. So that is my answer, sir. Thank you. Jo jameen pe dharatal pe jo ideology hai usse sampark sabka toot jata hai, lekin hum isse sampark bana ke apni baat ko aage rakhenge. Aapki baat ek minute ke liye yahan itne vaise in hamare beech varishth saathi baithe hain ji aapki sankshep mein. I am all with Abhiyan, so this resolution must be made into some 5 points, and Abhiyan nikle karma banegi. Is par 1 crore signature karne ka program banaiye. Itna hi bolna hai. Dekhiye kitni concrete cheez jo log pehle se. Aur aise Abhiyan ho to meri jo bhi क्षमता है वो आपके साथ पूरी तरह से है. बहुत बढ़िया. देखिए आप गांधीवादी परंपरा से हैं तो आप समझिए पूरी परंपरा का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और इस तरह से कॉन्क्रीट सोचते हैं एक्शन प्लान. इस पे 1 करोड़ सिग्नेचर, ऐसी सोच जो होती है वो हमें आगे ले जा सकती है. ऐसे सोच वाले लोग हमें रखने चाहिए. बस मेरा अनुरोध है सर, अभी हमने 27 साथियों को बोलने का मौका दिया, अब हम 29 साथियों को बोलने का हमने मौका दिया. मैं जानता हूं कई साथी और बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम में से बहुत लोग प्रशांत भूषण जी को सुनना चाहेंगे. तो 1 मिनट वाली बातें कही हुई,